हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रकाश दमानिया फ्रॉम दमन। मैं बहुत महीनों से फूड ट्रक बनवाना चाह रहा था, लेकिन मैं ऐसा फूड ट्रक बनाना चाहता था कि एकदम हटके हो, क्योंकि फूड ट्रक बनवाने से पहले मैंने बहुत सारे रिसर्च किए, बहुत सारे फूड ट्रकर से मिला और मैंने ज़्यादातर देखा है कि फूड ट्रक जो है छोटा हाथी एस पे ही बनते हैं, टाटा छोटा हाथी एस पे। तो उसमें जब लोगों से मैं मिला तो उनसे मिला तो उनसे परेशानियाँ जानी, तो उनसे उसमें मुझे एक परेशानियाँ ऐसी लगी कि दोनों तरफ से काउंटर होने की वजह से अंदर काम करने के लिए बहुत कम स्पेस मिलती है। तो मैं कुछ ऐसा बनाना चाहता था कि अंदर ज़्यादा स्पेस मिले। फिर मैंने YouTube पे वीडियोस देखे और फिर सतीश भाई को मैंने कांटेक्ट किया और उनसे मैंने बात की कि ऐसा मेरा कॉन्सेप्ट है तो ये आपसे हो सकता है क्या। तो सतीश भाई ने मुझे इतना गाइड किया इसमें, उन्होंने मुझे गाड़ी खरीदने से लेकर और आखिर तक मुझे इतना गाइड किया है कि आखिर में ये प्रोडक्ट ऐसा बन के आया है जो मैंने एक्सपेक्ट किया था, उससे भी दुगना बन के आया है। और मैं इस फूड ट्रक से बहुत बहुत खुश हूँ और इसका सब क्रेडिट सतीश भाई और उनकी टीम को जाता है। और आप सभी का फूड फंडा में स्वागत है। मैंने इस बार पहली बार है ये मेरा फूड ट्रक का बिज़नेस खोलने जा रहा हूँ, तो ये मेरा पहला ट्रक है। तो चलिए आपको दिखाता हूँ कि ये ट्रक कैसा बना है। जैसा कि आप जानते हैं कि ये काउंटर बाहर निकला हुआ है, तो ये काउंटर बाहर निकलने की वजह से मुझे अंदर बहुत सारा स्पेस मिल रहा है अंदर काम करने के लिए। और ये जो यहाँ पर ये स्टैंड दिया हुआ है, तो मुझे थोड़ा डाउट था कि ये इस पर टिकेगा कि नहीं, लेकिन अपने सतीश भाई फूड ट्रक वाले मालेगांव वाले उन्होंने ऐसा काम किया है कि इस पे चार लोग भी बैठ जाए और कूदेंगे तो ये टूटने वाला है नहीं। और जैसे कि आप देख सकते हैं ये डीप फ्रीज़र है, डीप फ्रीज़र के आगे मैंने ये स्टिकर लगा दिया, रियलिस्टिक लग रहा है। यहाँ पे ये मेनू लगा हुआ है जो इसके अंदर LED लगा हुआ है, तो कोई भी कस्टमर को मतलब पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि यहाँ क्या मिलता है, ये देख के ही समझ जाएगी कि यहाँ क्या क्या मिल रहा है। तो आइए चलते हैं अंदर की तरफ, दिखाता हूँ आपको कि अंदर कैसे बना हुआ है। तो आइए चलते हैं, पहले मैं आपको दिखाता हूँ ये मसाला डोसा का तवा है कि ये मसाला डोसा तो शाम में चलने वाला है, तो ये दिन में इसके ढक्कन इसलिए बनाया है कि दिन में ये स्पेस मुझे काम करने के लिए इस्तेमाल हो सके। यहाँ पर ये सर्विंग एरिया है और यहाँ पर ये चटनी का कंटेनर है जिसमें आप चटनी भर सकते हैं। यहाँ पर इन्होंने दिया है ये चाइनीज़ भट्टी कि इस पे आप अलग से कुछ भी कर सकते हैं। और मैंने इस बार इसमें कुछ अलग किया है कि मुझे कस्टमर को कढ़ाई दिखानी नहीं थी, क्योंकि क्या है, कढ़ाई दिखती है काली काली होती है, तो कढ़ाई दिखती है तो अच्छी नहीं लगती है, इसलिए मैंने इसको इनबिल्ट कढ़ाई ही बनवा ली है। चलिए आपको दिखाता हूँ और इसका स्टोरेज दिखाता हूँ। ये यहाँ पर है पानी की टाँकी, 100 लीटर की पानी की टाँकी है, तो जिससे ये वॉश बेसिन में यहाँ पर आएगा। ये है इडली का स्टीमर, इसमें 6 ट्रे लगे हुए हैं जिसमें एक साथ में 54 इडलीस बनेंगे। ये है बैन मेरी, 4 बैन मेरी दिए हुए हैं जिसमें आपका सांभर रहेगा, आपका उसल रहेगा, ये सब आपका गर्म रहेगा। और ये है 100 लीटर का फ्रिज, डीप फ्रीज़र है जिसमें आप कोल्ड ड्रिंक्स, ठंडा पानी, आपका चीज़, बटर, ये सब कुछ रख सकते हैं। यहाँ सतीश भाई ने ऊपर स्पेस भी दिया हुआ है रखने के लिए, आपके डिस्पोजेबल रखने के लिए। और यहाँ पे 2-2 एग्जॉस्ट फैन भी दिया हुआ है। और ये एग्जॉस्ट फैन की खासियत ये है कि ये हवा खींचेगी भी और अगर आपको गर्मी लगेगी तो ये हवा आपको देगी भी। इस पर यहाँ पे बटन, डबल बटन दिया हुआ है, तो ये आपको हवा भी देगी और हवा भी खींचेगी। यहाँ पर भी सतीश भाई ने स्टोरेज दिया हुआ है रखने के लिए, जहाँ पर आप अपना स्टोरेज रख सकते हो। और मुझे इस बात की खुशी है कि ये सारा जो बना है ये 304 ग्रेड में बना है, स्टेनलेस स्टील में, जो अभी काफ़ी ट्रेंड में है और ये काफ़ी मजबूत भी रहता है। और यहाँ पे आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ कैश काउंटर, जहाँ पे आप अपना कैश रख सकते हो। सतीश भाई ने इसके बैन मेरी के नीचे भी स्पेस दिया हुआ है, तो इसके लिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ काम करने के लिए भी बहुत सारी स्पेस है और स्टोरेज के लिए भी बहुत सारी स्पेस है।
ये यहाँ पे भी स्टोरेज सतीश भाई ने दिया हुआ है, जिसमें आप अपने मसाले के डब्बे, डिस्पोजल, जो भी आपका सामान है आप इसमें रख सकते हो। यानी कि बाहर आपको कुछ रखने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ अंदर रहेगा, तो यहाँ पे आप खड़े रह के आराम से काम कर सकते हो। यहाँ पे सतीश भाई ने 220 एम्पीयर की ओकाया कंपनी की बैटरी दी हुई है और यहाँ पे इन्वर्टर माइक्रोटेक कंपनी का दिया हुआ है, तो ये बैकअप के लिए बहुत ही अच्छा है। और एक खास बात बताना चाहता हूँ आपको कि इसमें मैंने CCTV कैमरे भी लगवाए हैं। ये जो यहाँ कैमरा है ये यहाँ का व्यू देगा, और एक कैमरा वहाँ पे लगा है वो इस तरफ का व्यू देगा, और एक कैमरा यहाँ पे बाहर लगा हुआ है जो दोनों तरफ लगा हुआ है, तो दोनों तरफ का जो व्यू आपको, कस्टमर का व्यू आपको देखने मिलेगा। यहाँ पे जो है ढक्कन पे अभी डिस्प्ले लगा हुआ नहीं है जिसमें CCTV कैमरा का डिस्प्ले दिखेगा, वो बाद में उधर हम लगाने वाले हैं। सतीश भाई ने मेरे लिए बहुत सारे मतलब लोगोस बनाए हैं। यहाँ पे एक लोगो है बराबर, और यहाँ पे उन्होंने बॉक्स टाइप में जो LED डिस्प्ले दिया है वो एकदम खूबसूरत दिख रहा है। यहाँ पे ऐसे लोगोस उन्होंने आगे भी लगाए हैं, पीछे भी लगाए हैं और साइड में भी लगाए हैं, जिसकी वजह से ये गाड़ी बहुत खूबसूरत दिख रही है। यहाँ पे इन्होंने आगे भी लगाया है, और इसमें ऐसा फंक्शन दिया है हमने कि जब गाड़ी बंद होके जब रास्ते पे चलेगी तो ये LED जो है चालू रहेगी, तो जिससे क्या गाड़ी चलते चलते भी मेरे फूड फंडा का एडवर्टाइज होता रहेगा। आप सभी को रिक्वेस्ट है कि एक बार इस फूड फंडा ट्रक पे, फूड ट्रक पे ज़रूर आइए और टेस्ट कीजिए। तो आपको मैं अपने फूड ट्रक के लोकेशन के बारे में बता रहा हूँ। मेरी फूड ट्रक जो है दमन सिटी में बस डिपो के सामने लगने वाली है, जहाँ पे पोस्ट ऑफिस है वहीं पे लगने वाली है। तो आप कभी भी, आप सभी को जब कभी भी टाइम मिले तो आइए, मेरी फूड ट्रक देखिए और मेरा खाना टेस्ट कीजिए। आज मेरी फूड ट्रक का डिलीवरी है और मैं बहुत खुश हूँ। और सतीश भाई का एक मोटो रहा है कि वो सपनों को साकार करते हैं, यानी कि वी कन्वर्ट योर ड्रीम इनटू रियलिटी। तो मैं सतीश भाई को बुलाना चाहूँगा एक बार। थैंक यू सतीश भाई, आपका जो मोटो है वी कन्वर्ट योर ड्रीम इनटू रियलिटी, सच में वो आपने आज सच करके दिखाया है। मेरे सपने को आपने सच में बदल दिया है। थैंक यू वेरी मच। और हमारा चैनल सतीश फूड ट्रक यूट्यूब हमारा चैनल है, आप हमें फॉलो कर सकते हैं यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे। और हमारा चैनल प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, और आगे आने वाली वीडियो आपको अलग अलग कंसेप्ट वो भी आपको हम दिखाएंगे। तो प्लीज़ थैंक यू सतीश फूड ट्रक। पहले जो आपने देखा था वो आप डे विजन था, अभी जो आप देख रहे हैं वो नाइट विजन है। मुझे तो बड़ा खूबसूरत लगा, आप बताइए आपको कैसा लगा।